नमस्ते दोस्तों स्वागत है आप सबका इंडियन डिश बैदेव में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बचे हुए चावल की रेसिपी तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर शे, सब्सक्राइब ग्रे पे एक बड़े चम्मच सरसों का तेल ले लिया तेल हमारा गर्म हो चुका था उसमें एक चम्मच जो है राय डाल दिए है राय अच्छे से चटक चुकी है तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पे कुछ सब्जियां लिया है सब्जी आप अपनी मनपसंद के अनुसार ले सकते हैं या फिर इसमें से कुछ इसके भी कर सकते हैं मटर बीन्स टमाटर गाजर प्याज सारी सब्जियाँ हमारे हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होती है और इसके साथ ही अगर हम बासी चावल को भी इस तरीके से बनाएंगे ना तो फिर जो लोग चावल बच जाने के बाद में उसे दोबारा खाना पसंद नहीं करते वो भी इस चावल को बहुत ही चाव से खाएंगे और इस रेसिपी को बनाना बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल है और इसे बहुत ही सिंपल तरीके से बनाऊंगी इसमें हमें कुछ भी पहले या फिर बाद में डालने की जरूरत नहीं सारे जो भी, भी सब्जियां वगैरह है एक साथ डाल देनी है और उसके बाद में ऊपर से डालेंगे स्वाद अनुसार नमक आधे चम्मच हल्दी पाउडर आधे चम्मच लाल मिर्ची पाउडर सारे सामग्री के साथ में यानी नमक हल्दी मिर्ची के साथ में सारे सब्जी को अच्छे से मिक्स कर देना लगातार चलाते हुए इस तरह से अगर बचे हुए चावल बनाएंगे ना तो आपका चावल भी बेस्ट नहीं जाएगा इसके साथ ही चावल जो है हेल्दी भी बनकर तैयार होगी क्योंकि हमने सब्जियों का इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही टेस्ट भी बनेगी अब हम सब्जी को ढककर पांच मिनट लिए मिक्स पर पकाएंगे आप देख सकते हैं देखने से लग रही है हमारी जो सब्जी है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी है तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉफ्ट हो जाती है पांच मिनट में तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो रात के बचे हुए चावल लिए थे उसे डाल देंगे आधे चम्मच नमक यानी स्वाद अनुसार नमक आधे चम्मच चाट मसाला पाउडर आधी चम्मच जीरा पाउडर आधे चम्मच हिंग हिंग डालने से पेट से संबंधित जो भी बीमारी होती है गैस या फिर कब्ज वगैरह वो नहीं होगी इसके साथ ही चावल को और ज्यादा टेस्टी लाजवाब मजेदार बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे आधी नींबू का रस आप चाहे तो अमचूर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं से हमने चाट मसाला डाला है चाट मसाला डालने से भी कोई भी जो रेसिपी है वो चटपटा बनती है ऊपर से मैं यहाँ पे डालूंगी बारी कटी हरा धनिया मैंने हरा धनिया को धोकर काट कर का ले लिया अच्छा तो कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल कर सकते इस रेसिपी को और ज्यादा मजेदार बनाने के लिए मैं यहाँ पर डालूंगी एक चम्मच यानी पच्चीस ग्राम जितना मक्खन अच्छा तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इसे स्कीप भी कर सकते है लेकिन ये मक्खन या फिर घी डालने से ना बहुत ही बढ़िया बहुत ही मजेदार रेसिपी बनकर रेडी होती है क्यूँकी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है इसके साथ ही चावल का टेस्ट ना बहुत दोगुनी हो जाती है तो सारे सामग्री के साथ में हमने यहाँ पे चावल को अच्छे से मिक्स कर दिया अब देख सकते हैं देखने में भी कितना कलरफुल लग रही है तो दोस्तों आप भी बचे हुई चावल से इस तरह के नए तरह की रेसिपी ट्राई कर सकते हैं जो कि काफी ज्यादा हेल्दी कलरफुल इसके साथ ही टेस्टी भी है हमने सब्जियों और सारा सामग्री के साथ चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद में धीमे गैस पर तीन मिनट तक और पका लिया था तो आप देख सकते हैं हमारे चावल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है आप इस चावल को रायता या फिर किसी भी ग्रीन चटनी के साथ परोस सकते हैं या ऐसे भी आप खा सकते हैं तो दोस्तों आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर अच्छा लगे तो कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना बोले आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी